मुरादाबाद के थाना मैनाचेर के गांव महमूदपुर माफी में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात का एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र एसपी सीओ देशदीपक सिंह द्वारा पुलिस लाइन में खुलासा किया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए 5 अपराधियों ने उस समय लूट की वारदात को अंजाम दिया था जब उमर अपनी बाइक पर नोटों से भरा थैला टांग कर घर वापस लौट रहा था। घात लगाए बैठे इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए सभी बदमाश कम उम्र के बताए जाते हैं। सभी की उम्र 20 से नीचे ही है और खास बात यह है कि 2 इंटर व अन्य क्लासेस के छात्र हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनके कब्जे से लूटी गई रकम का हिस्सा 10,000 रुपए भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया एक लुटेरा लूट का शिकार हुए व्यक्ति की आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करता था और अपने साथियों के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 5 लुटेरों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनके पास से किसी तरह का कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। इन लोगों ने मिलकर पहली बार इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र मैनाठेर में दिनांक 29 तारीख की रात्रि में एक लूट की वारदात हुई थी। ये बताया गया कि 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उनके द्वारा एक व्यक्ति जो आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है उसके साथ लूटपाट की घटना की गई है। इस सूचना पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस और इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक मैनाठेर सक्रिय हुए और आसपास जब जानकारी की तो 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 1 अभियुक्त उसी फैक्ट्री में नौकरी करता है और 1 उसके साथ ही 2 लोगों ने मिलकर के यह लूट की घटना को अंजाम दिया था। 100% 10,700 रुपये की बरामदगी हो चुकी है। इसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। इस घटना में इनके अतिरिक्त 3 लोग थे। 1 व्यक्ति था जिसने सूचना दिया था कि फैक्ट्री मालिक कब निकलने वाला है और 2 लोगों के द्वारा इसमें आपराधिक षड्यंत्र किया गया था। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, संपूर्ण धनराशि बरामद हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से गिरफ्तार करने वाली और बरामद करने वाली टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा। सर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? सर क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है इनका? इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं अभी तक जो हमारी जानकारी में आया है। किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं पता चल पाया है और हमारे द्वारा DCRP के माध्यम से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो आरोपी है उसके जहाँ लूट जिसके साथ लूट की गई है उनके फैक्ट्री में करीब 6 महीना से काम करता था जैसा बताया जा रहा है और इस संबंध में और विशेष जानकारी की जा रही है। सर वेपन वगैरह क्या बरामद किए गए? इसमें इनके द्वारा कोई वेपन नहीं यूज किया गया था घटना में, जैसा कि आरोप उनके द्वारा बताया गया था। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा ही बताया गया था किसी प्रकार का वेपन नहीं प्रयोग। सर क्या करते थे ये लोग, क्या पढ़ाई करते थे, किस तरह से? ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं। इनके द्वारा प्रथम बार घटना की गई जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, लेकिन हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके द्वारा और इसके पहले कोई घटना कारित की गई हो तो इसकी जानकारी प्राप्त करें।